please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. अरफ़ान अब्दुल्ला बड़ी खबर दे रहे हैं। श्रीनगर एयरपोर्ट के पास आतंकी हमला हुआ, बीएसएफ कैंप पर यह आत्मघाती हमला हुआ। 4 से 5 आतंकी बताए जा रहे हैं जो कैंप में घुसे और इसमें एक आत्मघाती आतंकी को मार दिया गया, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। इस हमले में बीएसएफ के 3 जवान घायल हुए हैं। बीएसएफ की 142 बटालियन पर यह आत्मघाती हमला हुआ। श्रीनगर एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया, सुबह की जो फ्लाइट है उन्हें भी कैंसिल कर दिया गया और साथ ही साथ ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर स्थिति ठीक रही तो कुछ देर में एयरपोर्ट से आवाजाही भी शुरू हो जाएगी। एक बिल्डिंग में आतंकी अभी छिपे हुए हैं, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। रह रहे के वहां फायरिंग की आवाजें सुनाई दे रही हैं, जिससे अभी कहा जा सकता है कि मुठभेड़ अभी चल रही है और जल्द से जल्द इन आतंकियों को ढेर करने की कोशिश यहां सुरक्षा बलों की है। आपको बता दें ये हाई सिक्योरिटी जोन एरिया है जिस पर ये आतंकी बीएसएफ के कैंप में अंदर दाखिल होते हैं। 142 बटालियन पर यह आत्मघाती हमला होता है। श्रीनगर एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। साथ ही साथ ये भी एक जांच का विषय है कि आखिरकार जब ऐसी चेतावनी दी गई थी कि बीएसएफ कैंप पर हमला हो सकता है तो किस प्रकार से ये हमला हुआ। एयरपोर्ट बंद होने की वजह से जो आम लोग हैं उन्हें खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम की आपको बता दें जैश मोहम्मद ने जिम्मेदारी ली है और श्रीनगर एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। एहतियातन पूरे एरिया को इस समय वहां पर बैरिकेटिंग की गई है। साथ ही साथ आपको बता दें कि वहां जो आतंकी छुपे हैं उन्हें ढूंढने की कोशिश भी सुरक्षा बल की तरफ से। रात के दौरान ही 182 बटालियन जो यहाँ पे बीएसएफ का है वहाँ पे कैंप में फिदाइन घुस गए और वहाँ पे एनकाउंटर शुरू हुआ। जैसा कि आप देख सकते हैं हम एयरपोर्ट के बिल्कुल नज़दीक हैं और यहाँ ही गोगो एक एरिया है जहाँ पे बीएसएफ का 182 बटालियन का कैंप है और वहाँ पे ये फिदाइन अंदर घुसे हैं और बताया जा रहा है कि 3 फिदाइन थे वो अंदर घुसे कैंप के अंदर और उसके बाद गोलाबारी शुरू हुई दोनों तरफ से। चूँकि सरप्राइज एलिमेंट जो है वो मिलिटेंट्स के पास रहता है, अब देखना ये होगा कि अंदर क्या कुछ हुआ है। पूरी डिटेल्स अभी नहीं आ पा रही हैं, बताया यही जा रहा है कि एक फिदाइन मारा गया है और साथ ही 3 बीएसएफ के लोग जो हैं वो जख्मी हुए हैं। चूंकि इससे पहले भी एक फिदाइन अटैक जो यहाँ पुलवामा में हुआ था उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस को अलर्ट रहने के लिए कहा गया था और स्पेसिफिक इनपुट्स थे कि बीएसएफ टारगेट हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी मिलिटेंट जो है वो कैंप के अंदर घुस पाए और इस तरीके से ये जो फिदाइन अटैक है इसे ये कहा जा सकता है कि मिलिटेंट कहीं ना कहीं इसी ताक में थे कि वो उन्हें कौन सा टारगेट मिले जहाँ पे वो फिदाइन अटैक कर सकते हैं। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि अंदर क्या कुछ हुआ है कैंप के, क्योंकि अभी रोशनी आई है, अब डिटेल्स सामने आ सकती हैं। कैमरामैन शफी के साथ रिफत अब्दुल्ला, न्यूज़ 18 इंडिया, श्रीनगर। चूँकि एयरपोर्ट को सील कर दिया गया है और पैसेंजर्स जो हैं काफ़ी मुश्किल में आ गए हैं यहाँ पे, सबसे पहले पैसेंजर से बात करेंगे। आप हमें बताइए कौन सी फ़्लाइट थी और क्या कुछ आपको कहा गया? हमारी 7:45 की फ़्लाइट थी और अभी मैसेज आया मेरे पास कि वो रीशेड्यूल हो गया है, आई थिंक 8:45 के लिए। अब आई एम नॉट वेरी मच श्योर कि मतलब अभी वो आएगा भी कि नहीं आएगा, मे बी कैंसिल भी हो सकता है। यहाँ आप एयरपोर्ट के बाहर ही हैं अभी? हाँ, एयरपोर्ट के बाहर ही हम लोग खड़े हुए। आप बताइए कि कहाँ जाना था और क्या कुछ कहा गया? हाँ सर, दिल्ली जाना था। हम लोग जैसे ही होटल से निकले तो हम लोगों को पुलिस वालों ने बीच में ही बताया कि यहाँ पे एनकाउंटर चल रहा है, 4 से 5 आतंकवादी अंदर घुसे हुए हैं, तो इसलिए ना जाया जाए क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सेंसिटिव भी एरिया है। तो इसी वजह से उन्होंने कहा कि आगे जाके आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा, जब तक ये सारा कुछ क्लियर नहीं हो जाता हमको वेट करना ही पड़ेगा यहाँ पर। आपको कहाँ जाना है और आपसे क्या काम? मुझे दिल्ली जाना है तो मैं सुबह 6:30 से वेट कर रहा हूँ यहाँ पे और मुझे बोला है कि अभी वेट कीजिए कि फ़्लाइट का स्टेटस एयर एशिया का अभी तक बताया नहीं गया।